सो हाय एवरीवन, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और बहुत सारे जो भी है आपके दिक्कत आते हैं कि भैया हमारे फिजिक्स के एमसीक्यूज नहीं होते हैं, थ्योरी पार्ट तो हमको पूरा के पूरा समझ जाता है लेकिन हम जब एमसीक्यू के पास जाते हैं तो हमसे वो सॉल्व नहीं होते हैं। क्या क्या ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स आप करते हो जिससे कि आप जो एमसीक्यू है, मतलब थ्योरी पार्ट तो आपको समझ जाता है लेकिन जो एमसीक्यू पार्ट रहता है, मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से क्वेश्चन अराइज होते हैं उस प्रकार से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। पिछले 3-4 सालों से स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, लगभग 5-6 हजार स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मैंने जो भी है मेंटोरशिप दिया है, चाहे वो JEE के हो, नीट के हो या फिर CET के स्टूडेंट्स हो। और उनको मैंने कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स बताए, कुछ ऐसे ऐसे रोड मैप बताए हैं कि जिनका थ्योरी तो कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यू वगैरह को भी किस प्रकार से डील कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं अभी यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका सबसे, अगर हम कोई नीट एस्पिरेंट्स है तो अगर हम बात करें तो उनका जो बायोलॉजी होता है, ठीक है, जो उनका बायोलॉजी होता है उसके अंदर जो भी अंतर होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये है एक प्रकार से हम एक रोड बना लिए, ठीक है, यहाँ पे है हमारा थ्योरी का पार्ट, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया थ्योरी का पार्ट। तो एमसीक्यू का पार्ट जो होता है वो हम पार्ट आराम से कर सकते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल ज्यादा चीजें नहीं होती है, ठीक है। एक चीज तो हमको समझ लेना, ये जो गैप होता है ये गैप हम आराम से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया बायोलॉजी का, जैसे ही हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया वी कैन डायरेक्टली रन ऑन द एमसीक्यूज और वो क्वेश्चन हमसे आराम से सॉल्व भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये वाला जो गैप होता है ये गैप कुछ हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इसके पीछे बढ़ने का रीजन ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज रहते हैं जो कि न्यूमेरिकल के बेस्ड होते हैं, ना कि कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एक कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज्यादा तो हद तक स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो आपका बायोलॉजी तो एकदम सिंपल हो जाता है, हम शॉर्ट बाय शॉर्ट जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको कितना प्रेफरेंस देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय आपको लगने वाला है और कितना एफर्ट्स आपको लगाने हैं। उसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखो थोड़ा सा गैप जो है वो बढ़ जाता है, तो आपको अगर थियोरी पार्ट से, ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके जो भी कोचिंग वगैरह में जाते हो वहां से आपका थियोरी का पार्ट हो गया, तुरंत वो जो टॉपिक आपको सिखाया गया है उसके बेसिस पे तुरंत आपको जो भी है विच इज एमसीक्यूज, तुरंत वही प्रकार से वही टाइम पे आपको एज्यूम करना है, वही टाइम पे आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपके एमसीक्यू होंगे और ये जो गैप है ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, विच इज कवर अप होते जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम फिजिक्स और साथ ही जिन भी बच्चों का मैथ है, तो फिजिक्स और मैथ के अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी, ठीक है, ये जो थ्योरी होता है और एमसीक्यू होता है इन दोनों का गैप ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी अपन ने अगर फिजिक्स का देखा या फिर मैथ का देखा स्टूडेंट्स, आपको थ्योरी का पार्ट तो समझ जाता है लेकिन उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो एमसीक्यूज किसी भी बच्चों से ज्यादा प्रकार से सॉल्व नहीं किए जाते। बच्चे क्या करते हैं, बीच रास्ते में आ जाते हैं और बीच रास्ते में रोने लगते हैं फिर कि भैया हमसे सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें, हम छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और यही पे जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो गैप आप फील नहीं कर पाते हो, यहाँ पे ही जो टॉपर बच्चे होते हैं वो ये गैप फील करते हैं और उनका जो भी रैंक होता है, चाहे वो नीट में हो, JEE में हो या फिर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, CET एग्जामिनेशन हो, वहां पे वो कवर अप करते हैं। तो इस पर्टिकुलर रोड मैप से हमको क्या क्या चीजें समझ में आई स्टूडेंट्स, की जो भी बायोलॉजी जो होता है आपका, वो बायोलॉजी जिस प्रकार से जैसे ही थ्योरी आपके क्लासेस में आप या फिर जो भी फॉर्म से आप पढ़ रहे हो, जैसे ही एमसीक्यूज पे आपको सीधा सीधा आ जाना है, जैसे आपका थ्योरी पार्ट कवर अप हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत हद तक ज्यादा तो प्रकार से न्यूमेरिकल्स होते हैं, रेट लॉ, सोल्युबिलिटी लॉ वगैरह इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स उस लॉ को उस पर्टिकुलर इसमें कन्वर्जन करके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि पहले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल्स को आप थोड़ा सा शांत रखो अगर आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है तो। अभी रही बात फिजिक्स और मैथ की, तो भैया फिजिक्स और मैथ को हम कैसे करें स्टूडेंट्स, उसका
आंसर बस एक ही है स्टूडेंट्स, कि आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ये एफर्ट्स, जितना आप एफर्ट्स लगाओगे उतने जल्दी आप जो होंगे ये रोड मैप आप कवर कर लोगे और थ्योरी से आप सीधा सीधा एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। बट द मेन थिंग इज दैट कि आप एफर्ट लगाने के लिए अभी तक उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है। अभी स्टूडेंट्स एफर्ट्स लगाना भी ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि हमको राइट डिरेक्शन में एफर्ट्स लगाना है। ये नहीं कि हम कोई भी डिरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं और हमको जो एंड रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है, अभी देखो स्टूडेंट्स फिजिक्स में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप PYQs देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नीट के देखो, JEE के देखो, जिस भी आप एस्पिरेंट्स होंगे, तो उसके बाद आपको कवर अप करना है कि PYQs में किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैसे अराइज हो रहे हैं और मैं उसको किस प्रकार से डील करूं। सबसे पहली चीज तो होगी स्टूडेंट्स आपका जो थ्योरी पार्ट है, उस थ्योरी पार्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना है, उसके पीछे की मूल कंसेप्ट आपको समझ के लेनी है, तभी जाके आप जो होंगे ज्यादा से ज्यादा ये डिस्टेंस जो होगा एमसीक्यू का डिस्टेंस ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि भैया थ्योरी तो हमसे कवर अप हो जाता है लेकिन एमसीक्यू कवर अप नहीं होता है। आपको स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा समय आपको फिजिक्स और मैथ में ही लगाना पड़ेगा। अभी इसको कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये पूरा की पूरा आपको पहले से ही पता है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी आवर्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको आपके स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। सपोज आप फिजिक्स को 2 घंटे दे रहे हो, आज तक आपने फिजिक्स को हर दिन आप 2-2 घंटे दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भैया ने बोला था कि फिजिक्स और मैथ का जो रोड मैप होता है थ्योरी टू एमसीक्यू का, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा गैप है और उस ज्यादा गैप को भरने के लिए मुझे ब्रिज बड़ा बनाना पड़ेगा और ब्रिज बड़ा बनाने के लिए मुझे ज्यादा समय देना पड़ेगा और जितना ज्यादा समय दूंगा उतने जल्दी मेरा ब्रिज जो होगा वो कवर अप होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी के सभी इंफॉर्मेशन समझ गई है कि आपको किस प्रकार से डेवलप करना है। बस एक ही चीज है स्टूडेंट्स, पहले थ्योरी और कंसेप्ट एकदम अच्छे से पढ़ लो, एकदम अच्छे से कर लो, उसके पीछे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे किस प्रकार से एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो या फिर मैथ के हो, किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, कौन से फॉर्मूलेस लगाने हैं, लॉग कहाँ पे लगाना है, डेरिवेटिव कहाँ पे लगाना है, इंटीग्रेट कहाँ पे करना है, दिस ऑल द थिंग्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आपके स्टडी आवर्स आप बढ़ाओगे तो आराम से आप उसमें फोड़ दोगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा मैसेज क्लियर है। ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो भी देख के जाना है, जिससे कि आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने साइड बार में दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा मैसेज क्लियर है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे और ये जो जो भी चीजें मैंने आपके साथ इनसाइट दिए है थोड़े भी अच्छे लगे तो जरूर नीचे लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।